गुड इवनिंग गाइस, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 39 फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं। एक फिगर है विच शोज अ ट्रांसपेरेंट हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। तो ये वो हेमीस्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.2 है, सॉरी 2.0 है, ओके और ट्रांसपेरेंट हेमीस्फीयर है। अब एक नैरो बीम ऑफ पैरेलल रेज इज इंसिडेंट ऑन द हेमीस्फीयर एज शोन इन द फिगर। ये जो रेज आ रही हैं वो कैसी हैं, नैरो हैं और पैरेलल हैं, पर डायग्राम में देख के ऐसा नहीं लगता कि नैरो है क्योंकि डायग्राम को क्लैरिटी के लिए दूर दूर बनाया जाता है, पर ये बिल्कुल नैरो रे है ऐसा हमें अज्यूम करना है, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है, नैरो रे है। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ भाई। आर द रेज टोटली रिफ्लेक्टेड एट द प्लेन सरफेस। देखो भैया, अब ये नैरो बीम लगभग परपेंडिकुलर एंटर कर रही है, ठीक है ना भाई, क्योंकि ये डायग्राम में दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो कहाँ जा रही है, वो सेंटर की तरफ जा रही है, ठीक है ना, और वो लाइन जो कि सेंटर की तरफ जाती है वो कौन सी होती है, रेडियल डायरेक्शन में होती है, तो वो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट अपन बनाएंगे उसके परपेंडिकुलर रहेगी, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन हो गई वो नॉर्मल डायरेक्शन हो गई, यानी कि 90 डिग्री का इंसिडेंट है। जब 90 डिग्री पर लाइट इंसिडेंट होती है तो अनडेविएटेड चले जाती है, ठीक है। तो आप देखो, इस रे की मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये रे, तो इस रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इतना हो गया, ठीक है, अगर मैं इसको सरफेस मानता हूँ एक, ठीक है, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, यही अपना प्लेन सरफेस है ना भाई, तो इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब ये रे रिफ्लेक्ट करेगी या फिर रिफ्रैक्ट करेगी ये डिपेंड करेगा कि ये जो 45 डिग्री का एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो मैं बात करूँगा इस मीडियम से लेकर इस मीडियम में जाने समय, यानी कि इस ग्लास से, सॉरी, इस हेमिस्फीयर से लेकर एयर में जाने पे क्रिटिकल एंगल क्या होगा। क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं भाई, साइन इनवर्स ऑफ 1/c, ठीक है, सॉरी 1/μ। एयर से मतलब 2 से 1 में जा रहे हैं ना अपन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है, तो क्या करूँगा, 1/2 करूँगा। तो साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है भैया, 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री से तो ज़्यादा ही है 45 डिग्री, है ना भाई, यानी कि क्या हुआ, इंसिडेंट एंगल इज़ ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेटली ये लाइट रे क्या करेगी, TIR कर जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना भाई, तो ऐसे ये लाइट चले जाएगी। बाकी लाइट भी ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो बाकी लाइट भी इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। तो क्या पूछा हुआ है, आर द रेस टोटली रिफ्लेक्टेड एट द प्लेन सरफेस, तो यस, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, यस, पार्ट ए सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब मिटा दिया जाए इन सबको, है ना भाई। अब आगे पढ़ते हैं, फाइंड द इमेज फॉर्म बाय द रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उस पे इमेज निकालनी है अपने को, ठीक है। तो देखना भैया, थोड़ा सा ऐसा समझो कि सिर्फ इतने पार्ट ऑफ द मिरर को कंसिडर करो, इतने पार्ट को, है ना भैया, बाकी से मतलब नहीं, ऑफ द मिरर बोल दिया, आई एम सॉरी, इतने पार्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस को कंसिडर करो। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, ठीक है, इस ये अपना पोल हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, ये अपना पोल हो जाएगा, ठीक है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ वाले जो पॉइंट्स हैं, इस ए के यहाँ वाले पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव साइड में हो गए और ये वाले पॉइंट्स नेगेटिव साइड में हो गए, ठीक, क्योंकि अपन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो इस कर्व्ड सरफेस का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, +3 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वी हैव टेकन, ठीक है, तो +3 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 3 दिया हुआ है, लेकिन प्लस लेना है कि माइनस लेना है, इसमें कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, तो +3 सेंटीमीटर लेंगे। अब यू कितना रहेगा भैया, ध्यान से देखो, ये रेज पैरेलल है, यानी कि ये रेज इन्फिनिटी से आ रही है, तो यू बराबर क्या होगा, -∞ होगा। माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, अपन ऐसे जाएंगे पोल से, तो अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट जाने पे अपने को ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है ना, तो -∞, ठीक। वी की पोजीशन हमें पता है क्या, नहीं पता, एक मिनट,
बैटरी लो हो रही है तो चार्ज में लगा देता हूँ मैं। ओके तो कहाँ थे अपन? हाँ भाई, वी की पोजीशन नहीं पता। अब रिफ्रैक्शन एट द कर्व्ड सरफेस पे जो फॉर्मूला लगता है वो क्या होता है भैया? वी सॉरी म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। म्यू टू क्या होता है? जहाँ पर रे रिफ्रैक्टेड रे जा रही है, और म्यू वन क्या होता है? जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे एयर में है, तो म्यू वन की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, और म्यू टू की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। तो 2 अपॉन माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन यू, सॉरी 2 अपॉन वी, वी की पोजीशन मेरे को नहीं पता है ना, माइनस म्यू वन अपॉन यू की वैल्यू क्या है? माइनस इन्फिनिटी है। ठीक, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन म्यू वन विच इज़ 2 माइनस 1 अपॉन आर विच इज़ प्लस 3। ओके, तो ये टर्म तो 0 हो गया, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0। तो 2 बाय वी की वैल्यू क्या आ गई भैया? 1/3 आ गई। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई? +6 आ गई। +6 का क्या मतलब हुआ? कि देखो प्रिंसिपल एक्सिस को ध्यान दो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये वाली एक्सिस। तो +3 मतलब कहाँ? इस पोल से, ये जो पोल है उससे 6 सेंटीमीटर दूर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये सर्कल जो मैं बना के रखा हूँ वो क्यों बना के रखा था? देखो इसको मैं यहाँ पर फिट कर दिया। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर दूर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो डायगोनल ही तो है, ठीक है ना, और रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना भाई, यानी कि वी इज इक्वल टू 6 कहाँ पर लाई करेगा? यहाँ पर लाई करेगा। तो ये जो है इमेज बन गई, कौन सी इमेज? करस्पॉन्डिंग टू द रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस। ये है फर्स्ट सरफेस, यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हुआ उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनी वो कहाँ पर बनी? यहाँ पर बनी, यानी कि डायगोनली अपोजिट टू द पॉइंट ए इफ द सर्कल इज कंप्लीटेड। और ऐसा ही लैंग्वेज आपकी बुक में आंसर में, आंसर वाले सेक्शन में लिखा हुआ है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बी पार्ट, है ना। बी हो गया, ए हो गया, सी की बात करते हैं। फाइंड द इमेज फॉर्म बाय द रिफ्लेक्शन और बाय द रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सर्फेस। तो भैया पहले पार्ट में हम आंसर दे ही चुके हैं कि प्लेन सर्फेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या? नहीं, क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। कौन सा टाइप का रिफ्लेक्शन हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जब ये रे आएगी तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चले जाएगी। रिफ्लेक्शन का नियम क्या होता है भैया? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल भी क्या हो गया? 45 डिग्री। ठीक है, तो तो जो इमेज बनी आई की, देखो अब यहां पर हो क्या रहा है समझना। ए की इमेज नहीं बन रही है, इमेज किसकी बनेगी? देखो ये जो आई है, ये जो आई है वो बेसिकली बिहेव करेगा किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की तरह। किसके लिए? ये वाला जो सरफेस है ना, ये जो प्लेन सरफेस है, वहां पर जब रिफ्रैक्शन होएगा, जो कि एक्चुअल में रिफ्रैक्शन नहीं है, जो कि रिफ्लेक्शन है, तो उस समय जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। क्यों ऐसा होगा मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो मैं रे डायग्राम अभी तक बनाया नहीं हूँ, ठीक है, तो बनाते हैं अपन। थोड़ा जूम कर लेता हूँ डायग्राम को। देखो ये मेरे ख्याल से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, जूम नहीं करते, ठीक है। देखो यहीं से देखने की कोशिश करो, ये जो रे आएगी वो ऐसे आएगी, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, और यहाँ पर आएगी। पर यहाँ पर वो क्या हो जा रही है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है। लेकिन अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती तो कहाँ जाती? यहाँ पर जाती, ठीक है ना भाई। सिमिलरली ये जो रे है वो, सॉरी ये वाली जो रे है वो रिफ्रैक्ट होके थोड़ी सी बेंड हो गई, है ना, इस तरीके से बेंड हो गई, और यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस प्लेन सरफेस पे। लेकिन अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती तो कहाँ जाती? वो ऐसे चले जाती। तभी तो इमेज, इमेज मतलब क्या होता है भैया? रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पर जाके मीट करे, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन जब हो रहा है तो ये
ऐसे लाइट आई और यहाँ पर आके सारी की सारी लाइट, जितनी भी पैरेलल रेज है, वो सारी की सारी यहाँ पर एक्चुअल में मीट कर रही है ना इस पॉइंट पे। ठीक है, अब सोचो ये जितनी भी लाइट है वो इस प्लेन सरफेस के लिए किसकी तरह बिहेव कर रही है, इंसिडेंट लाइट की तरह बिहेव कर रही है। और इंसिडेंट लाइट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यानी कि जो आई है, वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, इंसिडेंट लाइट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, सॉरी जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके लिए ये जो आई है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो भैया ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगी, जितनी दूर ये है उतनी दूर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। रिफ्लेक्शन में ऐसा ही होता है ना भाई, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पर बनेगी सेकेंड इमेज, ठीक है ना भैया। तो इसको अपन I2 बोल लेते हैं, इसको I1 बोल लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है पार्ट सी में, फाइंड द इमेज फॉर्म बाय द रिफ्लेक्शन और बाय द रिफ्रैक्शन को तो काट ही दो, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा है ना। तो फाइंड द इमेज फॉर्म बाय द रिफ्लेक्शन एट द प्लेन सरफेस। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जो लाइट्स हैं, ये वाली, ये सारी की सारी कहाँ मीट करेगी, ऐसे, ये लाइट सारी ऐसे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे आई ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे आई ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है ना, और सारी की सारी इस पॉइंट I2 पे मीट करेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब आंसर में देखो क्या लिखा हुआ है, सी पार्ट का आंसर कैसे लिखा हुआ है, एट द मिरर इमेज ऑफ ए इन बी सी। तो ये आंसर ही समझ में नहीं आता। तो इस आंसर का ये मतलब हुआ हुआ कि बी सी अगर मिरर है, जो कि एक्चुअल में है नहीं, तो ए का जो मिरर इमेज है वो कहाँ पर है, वो यहीं पर तो है, सिमेट्रिक है भैया, देखो डायग्राम, ये बिल्कुल एक ये बिल्कुल एक परफेक्ट आइसोसेलस ट्रायंगल बनेगा, है ना भैया। तो ए की मिरर इमेज इन बी सी, अगर बी सी इमेज होता, मिरर होता, तो उसकी इमेज यहाँ पर बनती। एफ तो इस तरीके से लैंग्वेज में दिया है कि ए की मिरर इमेज इन द लाइन बी सी, तो इसका मतलब इस I2 की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक लैंग्वेज यूज़ किया हुआ है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बी सी इज बिहेविंग एज अ मिरर, नो। ठीक है, बस ये I2 की पोजीशन को डिस्क्राइब किया है आंसर में। ठीक है, तो डायग्राम में जो पोजीशन है वो तो आपको साफ साफ दिख ही रही है। ठीक है, अब क्या बोला है भैया, ट्रेस क्वालिटेटिवली द फाइनल रेज एज दे कम आउट ऑफ द स्पेयर। तो एकदम सिमेट्रिकल सिचुएशन है, जैसे लाइट रेज आई थी वैसे ही वापस चले जाएंगी। ठीक है, एक बार के लिए मैं इन सबको मिटा देता हूँ और एक बढ़िया सा रे डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। ये लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, ठीक है, और ये फाइनल पॉइंट है अपना, ये टकरा के यहाँ आ जाएगी, ये टकरा के यहाँ आ जाएगी, ये टकरा के यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होएगा कि जैसे इन लोग आए थे वैसे ही चुपचाप निकल लेंगे। ठीक है ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये रे ऐसे आएगी और ये रे ऐसे आएगी, ये रे ऐसे आएगी, और इन लोग वापस से पैरेलल बन के निकल जाएंगे। तो क्वालिटेटिवली रे डायग्राम बनाने के लिए बोला है, तो यही उसका आंसर है। ठीक है ना भैया, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर टकरा के ऐसे ऐसे और ऐसे, दैट्स इट। बिल्कुल सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन हो रहा है पॉइंट बी पे, तो जैसे रेज आई थी वैसे ही जाके रिफ्लेक्ट होके, मतलब इस सरफेस से फिर से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और जो ये हल्की सी इंक्लाइंड लाइट है, इंक्लाइंड रेज है, वो फिर से इस पॉइंट पे क्या, इस सरफेस पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा और पैरेलल वापस सारी की सारी निकल जाएगी। तो ये होएगा, तो डी पार्ट का भी आपका आंसर ये है। ठीक है भाई, तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इवन आंसर की लैंग्वेज कई बच्चों को समझ में नहीं आती, इस वजह से आंसर की लैंग्वेज को भी समझाने की मैं कोशिश कर दिया। तो बहुत ज़्यादा समय लग गया है मेरे ख्याल से, तो अगर टाइम वेस्ट हुआ है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसी के साथ साथ वीडियो एंड करते हैं, बाय।